डू यू नो कि मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और थाईलैंड में भी नवरात्रि सेलिब्रेट की जाती है। आप बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो पूरे वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में सेलिब्रेट किया जाता है। बट इन देशों में नवरात्रि सेलिब्रेट तो किया ही जाता है, लेकिन उनके अपने वे में, और तो और उनके फेस्टिवल का नाम है द नाइन एम्परर गॉड्स फेस्टिवल। ड्यू टू दिस सीजनल चेंजेस हमारे बॉडी में भी कुछ इंटरनली चेंजेस होते हैं, तो इस फेस्टिवल से हमें इतना तो पता चलता है कि हमारे एंसेस्टर्स कितने स्मार्ट थे। हेलो एंड वेलकम टू क्यूरियस विंग, वी आर हियर टू गिव विंग्स टू योर क्यूरियोसिटी। तो आज के वीडियो में हम नवरात्रि के स्पिरिचुअल और साइंटिफिक रीजन के बारे में बात करेंगे। नवरात्र, बोमे गुल्लू, बोमाला कुल्लू, नवरात्र और बॉम्बे हब्बा और कई नाम से बुलाने जाने वाले इस फेस्टिवल को हम सब नवरात्रि के नाम से जानते हैं। तो आज के वीडियो में आपके नवरात्रि से रिलेटेड सारे क्यूरियोसिटी को हम फुलफिल करने वाले हैं। तो क्या आप सबको पता है अक्रॉस इंडिया नवरात्रि साल में 4 बार सेलिब्रेट किया जाता है? शरद और चैत्र नवरात्रि के बारे में तो आप सबको पता है, लेकिन जो दो सीक्रेट नवरात्रि है वो है माघ और आषाढ़ नवरात्रि, जिसमें से माघ नवरात्रि को तो वसंत पंचमी के नाम से बुलाया जाता है, जो कि जैन फेब के मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं आषाढ़ नवरात्रि जून जुलाई, एंड द सेकेंड मोस्ट फेमस नवरात्रि इस चैत्र नवरात्रि, जिसे हम मार्च और अप्रैल में सेलिब्रेट करते हैं और जिसके 9वें दिन को हम रामनवमी के तौर पर भी जानते हैं, जिसके पीछे का रीज़न ये है कि उस दिन राम जी का जन्म हुआ था। और उसके पहले दिन को प्रतिपाड़ा के तौर पर भी सेलिब्रेट करते हैं, जिसे महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा के नाम से जानते हैं। एंड द मोस्ट फेमस नवरात्रि शरद नवरात्रि, जिसे हम सितंबर और अक्टूबर में सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन आज के वीडियो का मेन इंटेंशन यही है कि आज हम शरद नवरात्रि के स्पिरिचुअल और साइंटिफिक रीज़न को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए जानते हैं नवरात्रि के पीछे के साइंटिफिक रीज़न। जैसे कि हमें पता है शरद नवरात्रि अक्टूबर और नवंबर में सेलिब्रेट किया जाता है, और इस समय सीजन चेंज होता है, दैट इज़ फ्रॉम ऑटम टू विंटर। ड्यू टू दिस सीजनल चेंजेस हमारे बॉडी में भी कुछ इंटरनली चेंजेस होते हैं, जिससे हमारे बॉडी की इम्यूनिटी के डिक्लाइन होने का चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो अगर इस नवरात्रि हम इंटरमीडियंट फास्टिंग करते हैं तो हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट तो मिलता ही है, साथ ही साथ हमारे बॉडी के इम्प्योरिटी भी क्लीन हो जाते हैं। तो इस फेस्टिवल से हमें इतना तो पता चलता है कि हमारे एंसेस्टर्स कितने स्मार्ट। डू यू नो कि मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और थाईलैंड में भी नवरात्रि सेलिब्रेट की जाती है? आप बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो पूरे वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में सेलिब्रेट किया जाता है। बट इन देशों में नवरात्रि सेलिब्रेट तो किया ही जाता है, लेकिन उनके अपने वे में, और तो और उनके फेस्टिवल का नाम है द नाइन एम्परर गॉड्स फेस्टिवल। कोइंसिडेंटली नाइन एम्परर गॉड फेस्टिवल और नवरात्रि में 3 सिमिलैरिटीज हैं। फर्स्ट, दोनों फेस्टिवल सेम डे पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। सेकेंड, दोनों 9 डेज के लिए होते हैं। एंड थर्ड, जैसे हम इंटरमीडियंट फास्टिंग रखते हैं वैसे ही वो लोग वीगन खाना प्रेफर करते हैं। जैसे वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको कुछ नेम्स बताए थे, दैट इज़ बोमे गुल्लू, बोमाला कुल्लू और बॉम्बे हब्बा। डोंट वरी, ये सब इंडियन नेम्स ही है। नवरात्रि को तमिलनाडु में बोमे गुल्लू के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें बोमे मतलब डॉल और गुल्लू मतलब फेस्टिवल। सिमिलरली तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इसे बोमाला कुल्लू के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, वेयर एस इन कर्नाटका इसे बॉम्बे हब्बा के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए महिषासुर के बारे में जानते हैं, क्योंकि महिषासुर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं महिषासुर ने घोर तपस्या की थी, जिससे खुश होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था, और वरदान में ये कंडीशन था कि कोई भी मनुष्य और देवता उसे कभी हरा नहीं सकता, सिवाय किसी औरत के। और महिषासुर वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि उसे कभी कोई औरत हरा नहीं सकती। अहंकार में आकर उसने अपने पावर का मिसयूज़ करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे पता था कि कोई औरत उसे हरा नहीं सकती। तो उसने त्रिलोक के सभी देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया था। परेशान होकर त्रिदेव को माँ दुर्गा को फॉर्म करना ही पड़ा, और वो त्रिदेव थे ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी। और ये लड़ाई 10 दिनों तक चली, जिसमें महिषासुर अपने रूप बदलकर माँ दुर्गा को कंफ्यूज कर रहा था, जिस वजह से माँ दुर्गा को अपने 9 अलग अलग अवतार में आना पड़ा। और 10वें दिन माँ दुर्गा ने सिद्धिदात्री के रूप में महिषासुर का वध किया। और इन 10 दिनों में माँ दुर्गा ने जो अलग अलग अवतार लिए थे वो है शैलापुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मंदा, स्कंदमाता, कटियायिनी, कालरात्रि, महागौरी और 9वें और 10वें दिन सिद्धिदात्री। रूप के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नवरात्रि से जो हमें एक लेसन सीखने को मिलता है वो है द अल्टीमेट विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन इंटेंशन यही था कि जस्ट बिकॉज ऑफ जनरेशन गैप बिटवीन अस एंड आर पेरेंट्स, कुछ ट्रेडिशन ऐसे हैं जो हमारे पेरेंट्स उस फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके एल्डर्स ने उन्हें समझाया था। और लेकिन जो आज की जेन ज़ी है उनके मन में बहुत क्यूरियस क्वेश्चन होते हैं कि जो हम कर रहे हैं उसके पीछे का रीज़न क्या है। सो आई होप आपकी क्यूरियोसिटी के सारे आंसर आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। तो ये था मेरा एफर्ट टू क्रिएट एन इम्पैक्ट इन द सोसाइटी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी वैल्यूबल सीखने को मिला हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। और आपके मन में जो भी क्यूरियस टॉपिक्स हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, सो दैट आई कैन गिव विंग्स टू योर क्यूरियोसिटी।